नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। दिस इज अनुज के। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके बड़ा अपडेट इस वक्त आया है, जहाँ पे जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा बदलाव किया है। पॉइंट सिस्टम्स को लेके जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुतल्लिक ICC ने बड़े चेंजेस किए हैं। तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, स्पोर्ट्स टाइगर को भी आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो ICC ने किए हैं जब हम पॉइंट्स सिस्टम की अगर बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुतल्लिक। तो सबसे पहली बात तो ये कि इससे पहले यानी जो पहला एडिशन रहा था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसमें न्यूजीलैंड जो है विजेता बनता है, उसके अंदर 120 पॉइंट जो है एक सीरीज़ को अलॉट किए जाते थे, जिसके अंदर आप फर्स्ट कीजिए अगर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है तो उसके अंदर आपको 24 पॉइंट्स का जो है पर मैच मिलता था। अगर आप वो मैच जीतते हैं तो 24 पॉइंट्स आप जो है अर्जित करते हैं। ऐसे ही अगर आप 2 मैचों की सीरीज़ खेल रहे हैं तो 60-60 पॉइंट्स की जो है वो सीरीज़ होती थी, यानी एक मैच जीतने पे आपको 60 अंक जो है वो मिलते थे। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर लगातार इसका क्रिटिसिज्म जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे थे कि इसमें जो है चेंजेस ICC को करने चाहिए। अब उसके ऊपर बदलाव ICC ने ये किया है कि अगर कोई टीम जीतती है तो उसको 12 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि भारत और मान लीजिए साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज़ है तो उसके अंदर फ़र्ज़ कीजिए भारत जीत जाता है तो उनको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर मैच टाई हो जाता है तो फिर जो है 6 पॉइंट्स टीम को मिलेंगे। अगर मैच ड्रॉ हो जाता है यानी कि जो है बिना किसी नतीजे के मैच समाप्त होता है तो ऐसे में 4 पॉइंट जो हैं वो टीम्स को जाएंगे। यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि जो एक कॉन्ट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ था कि अगर मैचेस कम है और वही वाली बात होगी कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है और एक 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है तो अंकों का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था, उसको अब जो है ICC ने एक तरीके से ख़त्म कर दिया है और एक प्रॉपर आप इसे कह सकते हैं कि जीतने में 12 पॉइंट्स हैं और टाई होने पे जो है 6 पॉइंट्स आपको मिलने हैं, वहीं ड्रॉ के सिलसिले में 4 पॉइंट जो हैं टीम को मिलेंगे। इससे पहले जो परसेंटेज के हिसाब से टीम्स क्वालिफाई कर रही थी, हमने देखा था कि COVID-19 की वजह से चेंजेस जो ICC ने किए पेंडेमिक के आने के बाद जो है टीम्स भी एक साथ जो है ज़्यादातर मैचेस नहीं खेल पाई जो शेड्यूल थी, उसके बाद हमने देखा था कि चेंजेस जो है परसेंटेज बेसिस पे फिर जो है सिस्टम एक तरीके से ICC लेके आया था और उसके लिहाज से वही चीज़ अभी भी कायम है। परसेंटेज के हिसाब से ही जो है वो टोटल निकलता है और उसके बाद जो है आपको जो पूरा समीकरण रहेगा अगर हम बात करते हैं पॉइंट सिस्टम की कैलकुलेशन की तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अब बात करते हैं कि भारत जो है वो किस तरीके से अपना सारा कैंपेन स्टार्ट करेगा। तो कैंपेन स्टार्ट होता है भारत का 4 अगस्त से, जिसके अंदर भारत जो है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलने वाला है इंग्लैंड से, इंग्लैंड में, और 3 होम सीरीज़ खेलनी है और वहीं 3 अवे सीरीज़ खेलनी है। तो आपको बता देंगे भारत को कब कब और कहाँ जो है सीरीज़ खेलनी है। तो अगर मैं अवे सीरीज़ की बात करता हूँ तो इंग्लैंड के खिलाफ अगस्त से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और सितंबर तक जो है पूरी सीरीज़ चलनी है। उसके बाद जब हम आते हैं भारत के दूसरे अवे टूर के लिए तो वहाँ पे भारत जो है साउथ अफ्रीका जाएगा, यानी कि इस साल के अंत में भारत जो है ट्रैवल करेगा साउथ अफ्रीका। फिर जो है भारत को ट्रैवल करना है अगले साल बांग्लादेश में, तो वहाँ भी भारत जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ जो फ़िलहाल नज़र आ रही है कि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ भारत को बांग्लादेश में खेलनी रहेंगी। तो ये 3 टेस्ट सीरीज़ तो हो गई भारत की जो कि उनको बाहर खेलनी है। अब भारत में कौन से मुल्क जो है वो खेल लेंगे उस पर बात करते हैं। न्यूजीलैंड एक तो भारत को टूर करेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी जो है 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ पॉडगा उसका ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद श्रीलंका ने भी जो है भारत आना है। तो 3 जो है बाहर आपको खेलना है टेस्ट मैचेस और वहीं 3 सीरीज़ जो है आप घर पे खेलेंगे। तो ये तो रहा सिलसिला कि भारत को किस तरीके से जो है अपनी सीरीज़ खेलनी है। अब बात करते हैं कि किन किन टीम्स को कितने कितने मैचेस खेलने हैं। तो इंग्लैंड की जब मैं बात करता हूं तो इंग्लैंड को 21 टेस्ट मैचेस का खेलने का मौका मिलेगा, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस इंग्लैंड खेलेगा। उसके बाद इंडिया की तरफ आते हैं तो इंडिया 19 टेस्ट मैच खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 18 टेस्ट मैचेस खेलेगा। वहीं जब हम साउथ अफ्रीका पे आते हैं तो साउथ अफ्रीका जो है 15 टेस्ट मैचेस खेलेगा। फिर पाकिस्तान की तरफ जब हम बात करते हैं तो वो 14 टेस्ट मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान के बाद अगर बात करी जाए श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की, तो तीनों ही टीम्स जो हैं 13-13 मैचेस खेलेंगी। उसके बाद सबसे अंत में जो है
बांग्लादेश आता है जो कि 12 टेस्ट मैचेस खेलेगा, और ज़्यादातर जो सीरीज़ रहने वाली है मैचेस के हिसाब से उसमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ बांग्लादेश खेलेगा। वहीं न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो विश्व विजेता बनने के बाद जो है वो 13 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। ये फिलहाल बहुत बड़ा अपडेट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुतालिक, हमने आपको सारी जानकारी बता दी है। आपको कैसा लगा ये पूरा रूल जो इस वक्त ICC ने अनाउंस किए हैं, और भारत को किस तरीके से आप प्रोग्रेस करता हुआ देख रहे हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरी साइकिल में, ये भी आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।